हेलो दोस्तों, एक जो मूवी में आपका स्वागत है। आज आपको बताऊंगा मैं कि कैसे आप अपना एंड्रॉइड मोबाइल में अपने प्राइवेट फोटो, प्राइवेट वीडियो, मैसेज, एप्लीकेशन सेफ रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को यूज करने दे रहे हैं अपना फोन, आपके फैमिली मेंबर में हो सकता है छोटे बच्चे हैं, कोई और है जिनसे आप उनको टच नहीं करना चाहते, उन एप्लीकेशन को कुछ प्राइवेट फोटो है आपके जो आप नहीं चाहते कि कोई देखे, वीडियो है, कई सारी चीजें हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो अगर आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे वॉलेट नाम से एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर में जिनको आप यूज कर सकते हैं, पर कई बार वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता। तो आज मैं आपको एक एप्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, पहली बात। दूसरी बात, इजी टू यूज है। तो इजी टू यूज से मतलब है कि आप उसको बड़ी आसानी से हैंडल करेंगे। इसका जो यूजर इंटरफेस है बहुत ही इजी है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप ऑन द गूगल प्ले स्टोर। तो देखते हैं एप्स क्या है और कैसे यूज करना है। तो जाते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर में, ओपन करते हैं प्राइवेसी कनेक्ट। देखिए अभी डाउनलोड नहीं किया है, इस तरह से सिंपल है इसका और 4.4 रेटिंग है, आपको दिख रहा होगा ऊपर ही ऊपर। तो इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं तो एक्सेप्ट आएगा मेरे ख्याल से। हाँ देखिए बॉटम में आ गया। ये इसकी टर्म एंड पॉलिसी जो भी लिखा हुआ है, डिवाइस आइडेंटिटी कंटेंट, एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं डाउनलोड करने के लिए इसको। और देखते हैं कितने एमबी का है। तो 4.22 एमबी का दिखा रहा है, तो बहुत ही छोटा ऐप है और 4.4 रेटिंग के हिसाब से मेरे हिसाब से बढ़िया है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो रहा है मेरे में ये 50% 17 और अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। तो फिर बताऊंगा आपको कैसे ऑपरेट करना है, इसको यूज कैसे कर सकते हैं, क्या जैसे अपने फोटो सेव करने हैं या आपको किसी को दिखेंगे नहीं। तो वर्ती बढ़िया है मेरे हिसाब से, आप देखते रहिए मेरे साथ। बाकी देखिए नीचे और भी ऐप्स आ रहे हैं, आपको दिखा दूंगा, प्राइवेसी लॉकर, ये सब 365 एड्स वगैरह भी ज्यादा आते हैं और मैंने तो अभी तक इनको यूज किया है तो इतना इजी इंटरफेस नहीं मिला मुझे जितना इस ऐप का है। तो मेरे हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। वो 78 अपना हो गया है, होने वाला है पूरा। So now it has been installed. So let's open it. Open करते हैं और ये open हो गया। ये friends, apps को open करने के बाद आपको ये इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे आपको इसका पिन कोड डालना है, 4 digit का। आप कोई भी पिन कोड 4 digit का, जिस तरह से ATM का होता है, कोई भी रेंडम नंबर यूज कर सकते हैं, जिसको आप यूज कर लेंगे कोई भी पिन कोड डाल के। तो ये अभी तो जैसे मैंने डाला था तो एक बार पूछा है, जब आप पहली बार डालेंगे तो आपको 2 बार डालना पड़ेगा और आपको 2 बार डालने के बाद इस तरह से आपको इसका इंटरफेस मिलेगा। इसको हम इंटरफेस बोलते हैं, जो भी ये पेज अपियर हो रहा है। और आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छी तरह से यूजर फ्रेंडली मैनर में दिखा रहा है। पहले ऊपर लिखा हुआ है प्राइवेसी के नाइट, उसके बाद आपको 3 नंबर दिख रहा है और नीचे आप इसके आएंगे तो आपको पहला दिखेगा एप्स लॉक, ग्रीन कलर का एक लॉक बना हुआ है, ताला है। सेकंड आपको फोटो वॉल्ट दिखेगा, ये व्हाइट और ब्लू कलर का है लाइट। थर्ड वीडियो वॉल्ट दिखेगा जिसमें आप वीडियो को हाइड कर सकते हैं। और 4 आपको क्लियर दिखेगा, क्लियर में आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जंक डेटा पता पड़ा हुआ है कई दिनों से और जो आपके फोन कोई स्पीड को स्लो करता है तो आपको इसको कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो क्लीनिंग होता है, सीसी क्लीनर और इस तरह से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है अभी।
है आपका सीक्रेट डोर, तो इसका मैं बताऊंगा आपको क्या है ये क्या है। और हाइड नोटिफिकेशन 6 नंबर का रेड कलर का आपको दिख रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन जो भी जिस तरह से अपडेट के आते हैं, या तो कोई पर्टिकुलर एप्स है कि इस एप्स में ये वाला वर्जन आया है, तो आपको सारे नोटिफिकेशन भी हाइड कर सकते हैं। और 6 है इनकमिंग कॉल बैक, आपको जो भी कोई कॉल आएगा उसको आप लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से मतलब है कि अगर आप उनको उठाना चाहते हैं तो सिंपल आप ग्रीन और रेड कलर के बटन से उठाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग प्रेस करूं जब भी वो उठे, और बाकी कौन उसको यूज करेगा, वो क्या सिंपल इसको प्रेस करेगा तो कौन नहीं उठेगा। जब आपके हाथ में मोबाइल आएगा आप उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो ट्रिक है ये, तो आपको यूज करना तो करिए, बाकी इतना तो कोई यूज नहीं करता है मतलब कॉल उठाने के लिए भी। लेकिन अगर पहले जो मेन इसके फीचर थे उस पर आते हैं, तो पहला वाला फीचर हम देखते हैं एप्स लॉक का, ठीक है। एप्स लॉक पहले वाला फीचर ग्रीन कलर का बटन पर क्लिक कर रहा हूँ ना, देखेंगे आप इसके बाद इसमें इस तरह से लाइट, व्हाट्सएप मैसेज, हैंगआउट सबके आगे ताले बने हुए हैं ग्रे कलर का, आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा। जिस भी एप्लीकेशन को आपको ब्लॉक करना है, ठीक है, जैसे मुझे व्हाट्सएप में नहीं चाहता कि मेरे व्हाट्सएप के मैसेज कोई पढ़े मेरे अलावा, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा इस पर, और इस पर ये मुझसे पूछेगा कि अलाउ यूजेज एक्सेस टू प्राइवेसी कनेक्ट टू यूज एप्स लॉक टर्न ऑन और नॉट नाउ। दोबारा टर्न ऑन पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपके इसको ब्लॉक कर देगा, तो मैं टर्न ऑन पे आपको ब्लॉक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मुझसे पूछ रहा है कि इसको कर दूं मैं, गॉट इट, मैंने कहा ठीक है भाई कर दूं, ठीक है। और पीछे जाता हूँ, दोबारा इस एप्लीकेशन को खोलता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप का लॉक हो गया। अब मेरे को किसी और को करना है, अब इसको भी लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। अच्छा अभी मैं क्या करता हूँ, फोटो वॉलेट में जाता हूँ, एक फोटो आपको ब्लॉक करके दिखाता हूँ। सेकेंड आप फोटो वॉलेट में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि वरी अबाउट अदर पीयर्स योर फोटोज, तो कोई आपको फ्रेंड है वो आपको फोटो ना देख ले, इस तरह का इन्होंने एक कार्टून से रिप्रेजेंट किया है। तो इन्होंने क्या लिखा नीचे, टैप प्लस टू हाइड देम इन द वॉल्ट, तो नीचे ब्लू कलर का प्लस कलर का एक साइन दिख रहा है, इसमें क्लिक करते हैं और ये आपके डायरेक्ट जाएगा गैलरी में, गैलरी में जो आपके फोटो पड़े होंगे, ये मेरे फोटो है, तो पहले वाला फोटो ऐड कर लेते हैं। देखिए एक टिक मार्क आ गया रेड कलर का, मैंने पहले वाले फोटो पर क्लिक किया जैसे ही, और नीचे हाइड फोटो नीचे बिल्कुल बॉटम में, तो आप इसको हाइड फोटो पर करेंगे नीचे पर क्लिक, तो ये फोटो इमेज इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। इमेज हो गई मतलब आपका ये फोटो आप गैलरी में आपको नहीं दिखेगा। तो कई लोग बोलेंगे भाई इसको अनहाइड कैसे करना है, हमें दोबारा कैसे करना है, तो आपको राइट एंड में सिलेक्ट दिख रहा है, सिलेक्ट पर क्लिक करिए, आपके फोटो पर क्लिक करिए और बॉटम में देखिए आप, बॉटम में अनहाइड का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको अनहाइड कर दीजिए, पूछेगा कंफर्म, तो ये दोबारा फोटो आपके वॉलेट में चला गया, ठीक है। तो आपने इसको हाइड किया अनहाइड किया, अब क्या करते हैं, सेम थिंग वी विल डू फॉर वीडियो, तो वीडियो वॉल्ट में जाते हैं, अब आपको कोई वीडियो एडिट करना है, ठीक है, तो प्लस पर क्लिक कर दो, वीडियो एक्सेस करेंगे ये, और देखते हैं कि पहले वाला जो वीडियो है वो ही ले लेते हैं, ठीक है। ये पहले वाला वीडियो लेता हूँ, हाइड वीडियो पर क्लिक करता हूँ नीचे, अब देखेंगे ये वीडियो मेरा हाइड हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको अनहाइड दोबारा करना चाहते हैं, मतलब मुझे इसमें से निकाल के नॉर्मल अपनी गैलरी में डालना है, क्योंकि अभी तो ये नहीं दिखेगा गैलरी में, आपने इसको ऐड कर दिया, तो ऊपर जाके सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ और इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे टिक मार्क आ गया, और जैसे टिक मार्क आएगा नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको डिलीट करना है वीडियो, हाइड करना है, अनहाइड करना है, तो मुझे तो ये अनहाइड करना है, तो इसको कंफर्म कर दूंगा तो अनहाइड हो जाएगा, दोबारा से गैलरी में चला जाएगा पेज पे, ठीक है। क्लियर ऑप्शन है चौथा, फोर्थ, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी जंक डेटा होगा वो आ जाएगा, फाइलें होंगी उनको आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। फिफ्थ है सीक्रेट डोर, सीक्रेट डोर में क्या होता है, ग्रीन
इसमें आपका जो एप्स है इसका आइकन चेंज हो जाता है, इससे किसी को ये नजर ना आए कि आपने इस तरह की कोई एप्स डाल रखी है और वो उसको यूज करने की कोशिश ना करें। ये फोन का एक दिन आ जाएगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके इस तरह से कोई वॉलेट या प्राइवेसी एप्स डली हुई है, और इसके लिए भी एक खुद का पिन है, ठीक है। तो आप वो पिन डाल के ही उसको दोबारा आइकन चेंज कर सकते हैं। और 6 और 7 मेरे ख्याल से इनको यूज करने का इतना कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली लाइफ में वी डोंट यूज दिस। तो मैं इसके बारे में, जब आप यूज करना चाहते हो आप करिएगा, मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अपने कमेंट नीचे लिखिएगा, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मेरे जितने भी आने वाले वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। और थैंक यू आपका।